दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त पुष्पा आज कुछ नया लेके आई हूँ उनके लिए जो निटिंग सीखना चाहती हैं, बुनाई सीखना चाहती हैं और वो स्टार्ट करना चाहती हैं अपना पहला स्टेप, किस तरह से फंदे डाले जाते हैं और प्रैक्टिस कैसे की जाती है। हम जैसे तो झाड़ू का नोक जो होता है नारियल वाला, स्टार्टिंग जो है मम्मी सिलाई देती नहीं थी और बस ऐसे ही जुनून था एक, तो वही दोनों इसी तरह से छोटा छोटा टुकड़ा लेके उस पर इस तरह से फंदे डालते थे। फर्स्ट स्टेप जो मैंने सीखा है वो मैं पहले आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने फंदे स्टार्ट किए थे। फिर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट फंदे जो है वो अपने आप बनाना शुरू किया। तो पहला स्टेप जो था मेरा वो इस तरह से यहाँ पे गांठ लगाया, जैसे भी, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन था नहीं कि हाँ ऐसे ही गांठ लगाने हैं, फर्स्ट नॉट जो लगता है, और इस तरह से इसमें डाला। अपना ही दिमाग लगाना था तो कैसे बनता है क्या बनता है वो सब पता नहीं था, बस फंदे कैसे डाले जाते हैं बस इस पे फोकस रहता था। तो इस तरह से ये फर्स्ट नॉट लगा दिया और ऐसे करके देखिए यूं करके पहला स्टेप यही था मेरा। तो आप भी कोशिश कर सकती हैं, इजी है। और इसके बाद तो खैर जब इस पे हाथ बैठ जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है कि फंदे किस तरह से डाले जाते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंदे डाले जाते हैं। तो इस तरह से पहला स्टेप मैंने स्टार्ट किया था, इस तरह से फंदे डाल देती थी उसी पे झाड़ू के नोक पे और इस तरह से ये। तो स्टार्टिंग जो होता है ये सिलाई पकड़ना, या वो समझिए कि झाड़ू के नोक पे कैसे बनाया था मैंने, वो तो भूल गई अब। और इस तरह से प्रत्येक फंदा को स्लोली स्लोली, क्योंकि हाथ बैठता नहीं है स्टार्टिंग में, जब हम लेंगे कोई नया बनाएगा तो उसके लिए तो थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन बनाते बनाते वो आसान भी हो जाता है। तो फिर इस तरह से जैसे सुविधा हो वो पकड़ के ऊन और इस तरह से सीधा सीधा पहले बनाएंगे। तो सीधी सिलाई ही मैंने बनाया है, पीछे से भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, सीधा सीधा ही फंदा देखिए इसमें ऐसे डाल के। दो सिलाई तीन सिलाई में दिक्कत होगी, चार सिलाई में होगी, लेकिन फिर फास्ट बनने लगता है। दोनों तरफ से सीधा सीधा ही प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। तो सीधा सीधा बनाएंगे तो इस तरह से बुनाई आएगी। इस तरह से 50 फंदा डाल के अगर दोनों साइड से हम सीधा सीधा ही बनाएं तो मफलर तैयार हो सकता है 50 फंदे डाल के, और ये दोनों साइड से सीधा सीधा बनाएंगे। स्टार्टिंग जो विगनर सीखना चाहती हैं तो अपने लिए एक मफलर तैयार कर सकती हैं।
इस तरह से बन के आएगा। ये तो स्टार्टिंग है जो कि सिंपल तरीके से मैंने फंदे डालना सिखाया है और उसको किस तरह से बनाएंगे दोनों साइड से, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में कुछ और नया लेके आऊंगी मैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।